फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भव्य हेल्थ केयर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्य हेल्थ केयर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चावल, जी हाँ, व्हाइट राइस की। भारतीय भोजन में चावल अगर ना हो तो हमारा खाना इनकम्प्लीट लगता है। जी हाँ, भारतीयों की पहली पसंद चावल होती है। अगर वो रोटी सब्जी खा रहे हैं तो उसके साथ उनको चावल ज़रूर चाहिए। अगर वो एक दिन चावल ना खाए तो उनको कुछ अधूरा सा महसूस होता है। पर क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा व्हाइट राइस, ज़्यादा चावल खाने से भी आपके शरीर पर क्या क्या असर हो सकता है? जी हाँ, चलिए देखते हैं हमारी इस वीडियो में कि व्हाइट राइस आपकी सेहत पर क्या असर डालता है। चावल भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिन में एक बार बिना चावल खाए हमारा दिन पूरा नहीं होता। लेकिन क्या रोजाना चावल खाना सेहत के लिए हानिकारक है? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। आज भी अधिकांश भारतीय घरों में चावल यानी कि व्हाइट राइस का सेवन किया जाता है। रोजाना सफ़ेद चावल का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। स्वास्थ्य समुदाय सफ़ेद चावल को अनहेल्दी ऑप्शन के रूप में देखते हैं। इसकी अत्यधिक प्रोसेसिंग के कारण यह अपने सारे पौष्टिक तत्व खो देता है। इससे यह केवल स्वाद या वजन बढ़ाने का एक जरिया बन जाता है। चावल में आपके शरीर को प्रदान करने के लिए कोई ज़रूरी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। इसलिए लेडीज़, अगर आप हर रोज़ चावल खा रही हैं तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। आइए जानते हैं सफ़ेद चावल का पोषण मूल्य क्या होता है। USDA फूड डेटा सेंट्रल के अनुसार एक कप पके हुए शॉर्ट ग्रेन वाइट राइस में 53 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम कैल्शियम, 2.72 ग्राम आयरन, 15 ग्राम मैग्नीशियम एंड 4.39 ग्राम प्रोटीन और 242 कैलोरी होती है। इसमें फॉलेट और थायमिन जैसे विटामिन की थोड़ी मात्रा के साथ साथ पोटेशियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे खनिज भी होते हैं। चावल में विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी बिल्कुल नहीं होता है। इसमें बहुत कम सोडियम होता है। अधिक प्रोसेस्ड चावल में इन तत्वों की मात्रा और कम होती है। रोज़ाना चावल आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की न्यूनतम मात्रा होती है। बहुत अधिक चावल खाने से आप पौष्टिक तत्वों की कमी से ग्रस्त हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति और आपकी उम्र के आधार पर आपके आहार में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के फल, ये सभी शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं क्यों नहीं है चावल का सेवन करना। नंबर वन, उच्च कार्बोहाइड्रेट सामग्री। ऐसा लग सकता है कि चावल में बहुत अधिक कैलोरी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जबकि चावल में कुछ विटामिन होते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इसके फाइबर सामग्री के कारण चावल आपके पेट में अन्य खाद्य पदार्थों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। आपको अपने भोजन से अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त करने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन और फैट, जो चावल में लगभग ना के बराबर होते हैं। नंबर टू, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की समस्या। जो लोग रोज़ाना सफ़ेद चावल खाने के आदि हैं उनमें टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है। ब्राउन राइस की तुलना में सफ़ेद चावल के लिए खतरा विशेष रूप से अधिक है। सफ़ेद चावल लगभग पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो लेडीज़, सफ़ेद चावल के सेवन को आप नियंत्रित करें। इसमें स्वाद की कमी होती है और यह आमतौर पर पेट भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्राउन राइस में सफ़ेद चावल की तुलना में अधिक फाइबर होता है, जो इसे पाचन के लिए बेहतर विकल्प बनाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सफ़ेद चावल के बजाय आपको ब्राउन राइस का सेवन करने का सुझाव देता है। यह इन स्वास्थ्य समस्याओं से आपको बचाता है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़, स्ट्रोक, मोटापा, दिल की बीमारी और कब्ज़।
तो लेडीज, अब आप चावल के सेवन और हेल्दी राइस ऑप्शन से परिचित हैं, इसलिए अपनी डाइट को उसके अनुसार बनाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप भी ज्यादा चावल खा रहे हैं तो आपको, तो आपकी सेहत पर इसका क्या असर होता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल भव्य हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।